गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल हम पढ़ रहे थे न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था अपना घन और घनाभ। घन और घनाभ इस चैप्टर में कल मैंने आप सबको घन और घनाभ के बारे में बताया था, उनके कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। एक बार वापस वही मैं रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूं। घन के बारे में पढ़ा था पहले, एक तो था घन का संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्र, घन का संपूर्ण प्रस्थीय। दूसरा था बड़ा घन का आयतन। तीसरा बड़ा था घन का विकर्ण। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा था 6 × ভুজাকার স্কয়ার और आयतन बड़ा था भुजा की क्यूब। इसको एल से लिखा था, यहां एल स्क्वायर नहीं आया। वीकेंड का अपना अंडरूट 3 × होता, अंडरूट 3 × ये घन के बारे में। उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी किया था घन के बारे में। साथ में इसमें उत्तर मैंने बताया था घन की आकृति वर्गाकार भागों से या वर्ग से मिलकर बनाते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं या कोर है, 8 है शीर्ष। यही मैंने बताया था घनाभ में, और घनाभ के अंदर भी 6 फलक 8 शीर्ष और 12 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है आपको? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय 2 × LB + BH + HAL। यहां पर LBH का मतलब होता है लंबाई, L मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और एच का मतलब है ऊंचाई। एच का मतलब है ऊंचाई। उसके बाद में था अपना घनाभ का आयतन, वो क्या लिखा था हमने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। शेष था अपना घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण के लिए बताया था मैंने अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और ए इसके बाद आपको और बताया था, वो था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यह आपको मैंने रिपीट भी बताया था, वापिस इसको रिपीट करता हूं।
तो इसको गन और गनाब के बारे में। अब इसके मैंने दो तीन क्वेश्चन भी आपको कल करवाए। आगे क्वेश्चन बेटा देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, दो तो कल मैंने बता दिए थे और तीसरा क्वेश्चन है मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। क्वेश्चन अपना, एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है, 25 सेमी है। संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? संदूक का कवर बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर, कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? ये कोई संदूक है ना, संदूक। और यहां पर संदूक की आकृति से आप समझ सकते हो बेटा, उसको घन के अंदर भी देख सकते हो और एक वर्ग सॉरी घनाभ के अंदर भी सम्मिलित कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसका माप देखना है, माप की अकॉर्डिंग चल। अब यहां से इसमें माप से पता चलेगा कि आकृति संदूक की है वो घन की है या फिर घनाभ की है। यहां पर अगर घन का माप होता तो एक ही माप यहां पर लेता। तो ये ध्यान में रखना है कि आकृतियों का पता कहां से लगा होगा, आप एक घन और एक घनाभ में, यही से पता चलेगा कि माप। अगर आपको एक दिया जैसे एक संदूक का माप 50 सेमी, तो इससे आप समझ सकते हो कि वहां पर कितनी से जा सकते थे, घन में भी जा सकते। अब यहां पर कह रहे हैं संदूक का कवर बनाने के लिए, जैसे यहां बेटा ये कोई अपना एक संदूक है। नॉर्मली आप जानते हो संदूक की आकृति है कि घनाभ के आकार की, ये कोई संदूक है और घनाभ के अंदर मतलब आयताकार, आयताकार में दो आयतों को जोड़कर बनाया गया है कि घनाभ हो गया। अब यहां पर इसकी पूरे संदूक के ऊपर अपने को कवर लगाना है, पूरे संदूक पर कवर लगाना। अब संदूक पर कवर लगाने का मतलब उस संदूक का क्या पूछ लिया आपको, संपूर्ण पृष्ठ से पर यहां पर लिखोगे संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर वही घनाभ का क्या है, 2 × LB + BH + H। यहां पर 2 को गुणा कर दिया इसे, L का मान देखो बेटा कितना है। अब ये मान देखो 50 × 36 है, इसको L मानो, B मानो, H मानो, इसको प्रकार से इसी मान लिखो। L का मतलब 50 गुणा B का मतलब 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 × 50। इसको सॉल्व किया 2 × अब देखो इसको गुणा करो, 0 × 6 = 30 × 3 = 15 × 18 = 5 प्लस 30 × 0 = 25 900 आ रहा है इसका मान, कितना आ रहा है इसको गुणा करने पर 900 किया है, कितना आ रहा है 900 प्लस 25 × 25 = 125 और 0 = 1250। अब इन सबको जोड़ दो, अब इसका योग किया तो कितना आया 2 × देखो 18 × 27 27 और 12
3950 कितना आ गया 3950, इसका मान आ गया 0 0 हाँ, और 19 और 6 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर इसने क्या पूछ लिया है, कपड़े की आवश्यकता, उस संदूक को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के इसके क्वेश्चन थे। अब आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे लिखा है वैसे, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर, आधार यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। दो बराबर भाग बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझो, एक घन है, इसका हल करेंगे। ये घन की आकृति बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई घन है, ये क्या हो गया, ये घन। अब घन के प्रत्येक पृष्ठ को, अब यहां पर इसको कहने का मतलब, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये अब एक पृष्ठ लेता हूं इसे, कह रहे घन के प्रत्येक पृष्ठ को, जैसे एक पृष्ठ है उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पृष्ठ उसको ले सकते हैं। तो कोई भी एक पृष्ठ, इसमें मैं ले रहा हूं एक पृष्ठ, एक पृष्ठ कौन सा ले रहा हूं, मैं नाम लिख रहा हूं ए बी ई और ए, ये एक पृष्ठ लिया है। एक पृष्ठ का मतलब आकृति क्या हो गई अपनी, इस प्रकार से हो गई। यहां पर लिखा है ए, यहां पर बी, और यहां पर लिखा है ई, और यहां पर लिखा है एफ। अब यह आकृति घन है, घन किससे मिलकर बनता था, वर्ग से, क्या है वर्ग, वर्ग में आ गई आकृति। प्रत्येक पृष्ठ का मतलब इस भाग का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहां लिखोगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक पृष्ठ घन है, वो कौन सी भुजाओं में, कौन से आकृति जा रहा है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और साथ में लिख दिया 100। भुजा बराबर कितनी आ गई बेटा, 100
सो पर अनरूल लगा दिया और भुजा का मान क्या आ गया आपका 10 से 6। ये इस घन की भुजा है 10 10 10 और 10। अब यहां पर इसने आगे कहा है प्रत्येक घन की प्रत्येक भुजा का मान क्या निकाल दिया इसने 10 10 10 और 10। इस प्रकार से सब भुजाओं का मान क्या निकाल दिया इसने 10 10 से। फिर आगे इसने कह दिया यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये जो घन की आकृति थी ने इसको आधार के समांतर काट दिया। घन की आकृति है इसको आधार के समांतर काटकर दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसकी आकृति में ये मान भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको आधार के समांतर काटेंगे तो आधार जो इसका ये है आधार के समांतर तो यहां से इसको काट दिया और काटते ही ये दो भागों में बंटा। एक तो आकृति अपने पास है तो इस प्रकार से रह गई ये ऊपर वाली पास एक आकृति तो ये रह गई काटने पर दूसरी आकृति ये भी रह गई घन की आकृति है लेकिन इस भाग को काट कर इसने यहां पर जोड़ दिया या एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दिया। तब इसकी आकृति के अंदर इसकी लंबाई का मान तो कितना है भुजा का मान है उतना ही है और ऊंचाई बेटा आधार के समांतर काटा है ऊंचाई का भी मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर लेकिन इसकी आधार के समांतर काटते इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी कितनी हो जाएगी चौड़ाई का मान है आधा क्योंकि आधा भाग ऊपर गया आधा नीचे रह गया। अब यहां से इसकी चौड़ाई का मान कम होने से मतलब ये तीनों मान देखो समान नहीं है। अब समान नहीं होने का मतलब वो आकृति घन की थी वो किस में चेंज हो गई अब है घनाभ किस में होगी घनाभ में और घनाभ में आकृति चेंज होते हैं और घनाभ का क्या निकालना अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालोगे 2 × LB + BH + HL। यहां पर मान लगा 2 × L का मान 10 B का मान 5 + 5 × 10 + 10 × 10 2 गुना मान कितना आया 50 + 50 + 100 इसका मान आ गया 2 × 200 = 400 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मान कितना आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समझ लेना इसको आधार के समांतर काटने का मतलब है भुजा तो उसकी पहले 10 ही थी लेकिन जैसे इसने आधार के समांतर काट दिया इसकी चौड़ाई कम हो गई आधी हो गई ऊंचाई और लंबाई में इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे देखो इसमें क्या पूछ रहा है आगे वाले क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। फिर आगे इसमें कह रहा है इसकी बाहरी लंबाई 146 चौड़ाई इस बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर चौड़ाई
116 और ऊंचाई 83। चौड़ाई 116 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद कीजिए। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद कीजिए। यदि पेंट कराने की दर पेंट कराने की दर ₹2 प्रति 100 वर्ग सेमी हो, यदि पेंट कराने की दर ₹2 प्रति 100 वर्ग सेमी हो, प्रति 100 वर्ग सेमी हो। अब यहां पर देखो एक बकेट ढक्कन का बक्सा। अब यहां पर ये कोई एक संदूक है या बक्सा है, किस प्रकार से बताइए कोई बक्सा है। तीन सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना, मतलब यहां पर जो लकड़ी लगी हुई है बक्से को बनाने के लिए वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, ऊपर भी है इस तरफ भी है चारों तरफ लकड़ी का बना हुआ बक्सा है। इसके बाद बक्से की बाहरी लंबाई, अब मतलब बाहरी लंबाई का मतलब देखो यहां से यहां तक जाएंगे बाहर की ओर लंबाई होगी, जैसे इतने पास ये कोई डस्ट है। अब ये इसका ये कोई तल मान लेते हैं, तो एक तो इस लाइन के नीचे से लेकर यहां तक की लंबाई होगी, एक ऊपर से लेकर यहां तक की लंबाई होगी, दो प्रकार की लंबाई या चौड़ाई होगी। लंबाई का मानेंगे तो लंबाई इस प्रकार से होगी, एक तो अंदर वाले भाग से एक इसके बाहर वाले भाग से। तो यहां इसी प्रकार से इसमें ये ध्यान रखना आपको बक्से की बाहरी लंबाई का मान दिया है, हल करोगे तो ये ध्यान रखना है बक्से की बाहरी लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर और बक्से की बाहरी चौड़ाई कितनी है 116 सेंटीमीटर और बक्से की ऊंचाई है बाहरी ऊंचाई कितनी है 83 सेंटीमीटर। ये तो बाहर की ओर है, अब अपने को क्या है पैंट अंदर की ओर कराना है, तो अपने को तो अंदर की लंबाई अंदर की चौड़ाई अंदर की ऊंचाई चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें बक्से की अतः बक्से की आंतरिक लंबाई, अब आंतरिक लंबाई तो इस बक्से के अंदर दो प्रकार की लंबाई होती है, एक दृढ़ एक ठोस है, तो ये दोनों ही मोटी लकड़ी का बना है, तो कुल लंबाई बाहरी लंबाई कितनी 146 माइनस एक तो नीचे वाले भाग की क्योंकि बक्से की लकड़ी की मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 तो नीचे वाले घटा दो 3 ही ऊपर वाले घटा दो, तो इसकी बाहरी लंबाई का मान कितना आ गया, सॉरी अंदर की लंबाई का मान कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे बक्से की आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक चौड़ाई वही चौड़ाई के अंदर हो जाएगा 116 माइनस 3 माइनस 3 बराबर 110 सेंटीमीटर, लेकिन बक्से की आंतरिक ऊंचाई, अब यहां पर देखो ऊंचाई क्योंकि एक तरफ तो ढक्कन है नहीं तो उस तरफ तो लकड़ी लगी नहीं है, वह तो भाग खुला है, नीचे वाले भाग में तो लकड़ी लगी है और नीचे वाले भाग लकड़ी की मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी अंदर की 183 माइनस 3 केवल एक बार क्योंकि बेटा ऊपर ढक्कन नहीं है, अगर ढक्कन होता तब आपने 83 माइनस 3 दो बार, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी
80 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसके अंदर की ओर पैंट का लिया खर्चा। अब अंदर की ओर पैंट तो तभी होगा ना जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये आप देखो 146, तो आप निकालोगे बक्से का, बक्से के आंतरिक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अक्षा घनाभ क्या होता है, क्या होता है, दो गुना लंबाई। अब यहां पर इसको चेक करना, देखो लंबाई और इसको चेक करोगे कैसे करोगे। पहले आप इसमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा सकते हो, क्योंकि ये कमरा है, अंदर अंदर की ओर पेंट करना है। तो अंदर अंदर की ओर पेंट करने का मतलब बेटा इस भाग पर तो आप नीचे वाले फर्श पर तो पेंट करोगे नहीं, इस भाग पर जरूर करोगे। तो कमरे की चारों दीवार तो ये होगी, पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस। अब इसके अंदर साथ में इस भाग पर केवल पेंट करना, अपने को फर्श पर पेंट थोड़ी करेंगे अपन, तो फर्श वाला भाग तो कम हो गया। अगर फर्श वाले भाग को सम्मिलित करते तब आपने इसमें क्या करता, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय वही सूत्र लगता, दो गुना एन बी प्लस बी एच प्लस ए एच। अब यहाँ पर तो केवल इस भाग पर फर्श पर तो करना नहीं है, ऊपर वाले भाग, ऊपर वाले भाग में केवल लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई पर एक बार सम्मिलित है ना इसमें भी। तो यहाँ पर आ गई लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना। मान लो बेटा दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान 140 प्लस 110 गुणा ऊंचाई 80 प्लस 140 गुणा 110, दो गुणा 140 से कितना आ गया इसका मान 250 गुणा सी प्लस 14 11 154 154 20। यहां पर इसका मान चेक करो, आप इस गुणा के लिए 500 गुणा 500 को गुणा करो 80 से प्लस 15400, इसके अंदर ऐड करना है आपको, तो 500 8 में जो 40 और 3 भी लग जाएंगे इसके प्लस 15 400 कुल जोड़ा, तो इसको देखो 40,000 में 15 जोड़े 55,400 सेंटीमीटर, 55,400 सेंटीमीटर ये मान ध्यान में रखना आपको, 55,400 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है एक वर्ग सेमी पेंट कराने की दर 2 रुपया प्रति 100 वर्ग सेमी है, प्रति 100 वर्ग सेमी है। पेंट कराने की दर कितनी है इसमें, प्रति 100 रुपये। यहां से इसके अंदर पेंट कराने की दर याद कीजिए, पेंट कराने की दर 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी के कितने रुपए लग रहे हैं, 2 रुपए। एक वर्ग सेंटीमीटर के कितने लगे बेटा, 2/100 रुपए। और अपने पास कितने वर्ग सेंटीमीटर पेंट करना है, 55,400। तो यहां पर लिखोगे 55,400 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का खर्च बराबर 2/100 × 55,400। इसको सॉल्व करो, दो मिनट से दो मिनट इसका क्या मान करो कितना आया, 8 10 10 रेखे 11। तो इसका मान कितना आएगा,
1108 रुपए पूरे पेंट कराने का खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें चेक कर लेना, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया था या 1000 दिया था। अगर 1000 दिया होगा तब आपका इसमें आंसर थोड़ा सा लगा है, मतलब 2/1000 × 55400। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, इसका मान आया 1108 बटे 10 हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, 110.8 रुपए। तो ये बुक में शायद 1000 है यहाँ पर है और अपने को इस क्वेश्चन में दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तब तो आपका आंसर आएगा 1108 और 1000 दिया है तब आपका कितना जाएगा 110.80 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक अनार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। एक गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है तथा इसके वीकेंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तथा इसके वीकेंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तथा इसके वीकेंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर, वीकेंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब गनाब की जो आकृति होती है उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, लेकिन घन की आकृति देता है, तब इसमें न तो लंबाई कह सकते हैं, न चौड़ाई कह सकते हैं, न ऊंचाई कह सकते हैं, मतलब वो तीनों आकृतियों का मान क्या होता है, एक समान होता है। अब ये कह रहे हैं गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, प्रश्नानुसार लंबाई को एल से लिखते हैं प्लस चौड़ाई को बी से प्लस ऊंचाई को एच, योग कितना आया 19, इसका योग कितना आया 19। इसको दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब यहां इसका वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब क्या, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होगा। एक मिनट वापिस समझ को, ये तो था आपका समीकरण। आगे कह रहे इसका विकिरण, घनाभ का विकिरण, विकिरण किसका है, घनाभ, इसका मान 11 सेंटीमीटर दिया है। अब घनाभ का विकिरण क्या होता है, विकिरण होता है अपने पास √L² B² H² बराबर है 11। इस चिन्ह को हटाओगे तो दूसरी साइड में ये जाकर किस पर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, किस तरह 11। तो अपने पास हो गया, यहां लिखोगे वर्ग मूल लेने पर, तो L² + B² + H² बराबर 11 का
121। अब यहां पर आ गया अपने पास, इसको दिया समीकरण नंबर एक, इसको क्या दिया समीकरण नंबर एक। अब डाल वापस एक मार्क, पुनः समीकरण एक से, पुनः समीकरण एक से वर्ग करने पर वर्ग, अब वर्ग करोगे तो ये इस प्रकार से आएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर है साइन 19 है 19 का स्क्वायर। अब यहां पर अपने पास ध्यान में आपको कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जानते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो एक से क्या और दे दी, तीन पद दे दिए। अब तीन पदों का आप वर्ग करोगे तो आप एक सर्वसम्मी का थी नाइन्थ क्लास में एट में दी थी वो, तो उस पर इस प्रकार से बना देखो एल स्क्वायर है वैसे वैसे ही लगो प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एल बी प्लस टू एल बी एच प्लस टू एच एल बराबर। यहां पर क्या आ जाएगा 19 का 300 कितना होता है 61। यहां से देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इन तीनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा, तो दो को कॉमन लेते हैं एल बी बी एच और एच एल बराबर है 361। अब यहां पर वापिस देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका मान समीकरण दो से माने रखने पर, समीकरण दो से मान रखने पर क्या मान आया, समीकरण दो में देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 121। इसका मान लग गया 121 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच बराबर में कितना है 361। 121 को दूसरी साइड ले दो तो अपने पास बचा 2 एल बी बी एच एच एल बराबर है 361 माइनस 121। यहां पर इसका मान आया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 240। यहां से देखो वापिस आप कह सकते हो 2 को इस साइड ले लो भाग, अगर 2 को इस साइड ले लोगे देखो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं कर पाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर क्या ज्ञात कर दादा कह रहे हो दो का मतलब एक एक एल बी एक बी एच एक एच एल क्या मतलब आधे घनाभ का हो गया वो, तो यहां से इस दो को एक पर रखना है और ये क्या होता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दो गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 241 मान कितना आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा जाता है, तो इसके पांच तक क्वेश्चन मैंने दबा दिए, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर